डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है सी लैंग्वेज, जो आपके 210 विषय कोड में चलती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके अंदर स्विच स्टेटमेंट्स या स्विच केस के बारे में हम पढ़ेंगे। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में कंप्यूटर साइंस विषय में लेक्चरर हूँ। ये जो स्विच स्टेटमेंट है, बेसिकली जो हमने लूप्स चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हमने पढ़े थे, लूपिंग स्टेटमेंट्स हमने पढ़े थे, तो एक तरह का ये स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट। जो हमारे ब्रांचिंग स्टेटमेंट में हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि इफ जो है वो तीन प्रकार से काम करता है, एक साधारण इफ एल्स, एक लैडर इफ एल्स और एक नेस्टेड इफ एल्स। तो उसमें जो लैडर इफ एल्स है, जिसमें कई चॉइसेस में से हमको एक चॉइस चूज करनी पड़ती है, कुछ उसी प्रकार से हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है। तो काफ़ी सिमिलरिटीज हैं स्विच स्टेटमेंट और लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट में, परंतु स्विच स्टेटमेंट ज़्यादातर जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, उनको जोड़ने में काम आता है और बहुत स्पेसिफिक यूज़ है जो पुराने प्रोग्राम्स हैं उनके लिए, और कई अच्छी चीज़ों में यह हमें यूज़ में आता है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्विच स्टेटमेंट सी। तो इसकी जो लैंग्वेज परिभाषा है, अ स्विच स्टेटमेंट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है वो हम एक बेसिकली वेरिएबल जो है उससे कंपेयर करेंगे इसके डिफरेंट केसेस को, और एग्जैक्ट मैच होने पर वो उस केस को एग्जीक्यूट करेगा। ईच वैल्यू इन इज अ कॉल्ड अ केस। जो हमारी हर वैल्यू है वो केस कहलाती है, एंड द वेरिएबल बींग स्विच्ड ऑन इज चेक्ड फॉर ईच स्विच केस। तो हमारी जो वैल्यू है वो बेसिकली चेक होती है हर स्विच केस के साथ। तो हम यदि देखेंगे तो इसका जो सिंटैक्स है या इसका जो प्रारूप है वो इस प्रकार से है। द सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज फॉलोज। सबसे पहले हम स्विच लिखेंगे, जो एक कीवर्ड है सी भाषा का, और उसमें या तो एक्सप्रेशन या जो भी हम वैल्यू लिख रहे हैं, कीवर्ड लिख रहे हो, वेरिएबल लिख रहे हैं जिसकी वैल्यू मैच करानी है, ये स्टार्ट होगा। मंझले ब्रैकेट्स के अंदर हम सबसे पहले केस, केस भी एक कीवर्ड है, और उसके आगे हम जिस वेरिएबल की वैल्यू से मैच कराना चाहते हैं, जिस एक्सप्रेशन से मैच कराना चाहते हैं वो लिखेंगे, फिर से कॉलन लगाएंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे और ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक के बाद सेमी कॉलन। तो ये हर केस में आपको दिखेगा कि इस प्रकार से हम लोग करते हैं। और आखिरी में यदि आप देखेंगे तो दिखेगा आपको एक डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का अर्थ है कि यदि हमने जो वैल्यूज़ एंटर की हैं वो किसी भी केस से मैच नहीं हुई, तो अल्टीमेटली वो डिफ़ॉल्ट केस में चली जाएंगी। यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं कि आपकी चॉइस गलत है या आपने गलत एंटर किया है, आप कृपया दोबारा एंटर करें। तो बड़े ही आसानी से हम समझ सकते हैं कि स्विच केस किस प्रकार से काम करता है। हम चलते हैं अगली स्लाइड। यहाँ कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स को हमको ध्यान रखना है कि स्विच केस में क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। सबसे पहले जो हम स्विच के अंदर वैल्यू देंगे, जो एक्सप्रेशन देंगे, द एक्सप्रेशन इज यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट मस्ट हैव एन इंटीग्रेटेड और एनुमरेटेड टाइप। ये एनुमरेटेड सी लैंग्वेज में एक स्पेशल टर्म है, ईनम जिसको कहते हैं, जिसके बारे में हम भविष्य में चर्चा करेंगे। तो आज हम सिर्फ एक इंटीग्रल पार्ट स्विच केस में लेकर और उसका प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर या तो कोई इंटीजर या फिर कोई ईनम टाइप का डेटा हो सकता है। यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट्स विद इन अ स्विच। ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेशन है, जो स्विच केस के अंदर हम जितने भी केसेस हैं वो ले सकते हैं, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है। ईच केस इज फॉलोड बाय अ वैल्यू टू बी कंपेयर्ड टू एंड कॉलन। तो आखिर में हम लोग जिस भी वैल्यू से कंपेयर करनी है वो वैल्यू लिखेंगे और कॉलन से एंड करेंगे। द कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ केस मस्ट बी द सेम डेटा टाइप एज द वेरिएबल इन द स्विच। तो ये तो क्लियर ही है कि जो हम स्विच के अंदर वैल्यू दे रहे हैं उसका डेटा मैच होना चाहिए जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इट मस्ट बी कॉन्स्टेंट और लिटरल। वो कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, वो बेसिकली एक लिटरल यानी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। वेदर अ वेरिएबल बींग स्विच्ड और इज इक्वल टू द केस द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द केस विल एग्जीक्यूट अंटिल अ ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच्ड। इसका अर्थ है कि जब भी कोई वैल्यू मैच होती है तो उस केस के अंदर एंटर होगा हमारा, और जो भी एग्जीक्यूशन एंटर होगा, और तब तक ये एग्जीक्यूट होगा जब तक हमें ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर नहीं हो जाता। ब्रेक स्टेटमेंट हम जानते ही हैं कि जिस भी ब्लॉक के अंदर है उस ब्लॉक से बाहर आने का काम करता है। तो ब्रेक बेसिकली हमें स्विच के अंदर से किसी भी ब्लॉक से केस से बाहर आने का काम करता है।
When a break statement is reached, the switch terminates and the flow of control jumped to the next line following the switch statement. जैसे ही हमारे पूरे स्विच में कहीं भी ब्रेक एनकाउंटर होगा तो वो उसके आगे का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा और स्विच केस के खत्म होने के बाद जो अगला स्टेटमेंट है उस पे पहुंच जाएगा. नॉट एवरी केस नीड्स टू कंटेन अ ब्रेक. ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हर एक केस में ब्रेक लगाया जाए. इफ नो ब्रेक अपीयर्स, यदि किसी केस में ब्रेक नहीं आता है, द फ्लो ऑफ कंट्रोल विल फॉल थ्रू द सब्सिक्वेंट केसेस अंटिल द ब्रेक इज रीच्ड. तब हमारा जो फ्लो है, जो हमारा कंट्रोल है, वो अगले केसेस में चलता जाएगा जब तक कि ब्रेक नहीं मिल जाता. अ स्विच स्टेटमेंट कैन हैव ऑप्शनल डिफॉल्ट. तो यहाँ ध्यान दीजिए कि डिफॉल्ट आपके हाथ में, आप लगाएं या न लगाएं. यदि आप लगाते हैं तो उस कंडीशन में ऊपर से जो वैल्यूज आ रही हैं, यदि किसी केस से मैच नहीं हुई तो डिफॉल्ट में जाएंगी, अन्यथा एनकाउंटर नहीं होगा तो बाहर आ जाएगा स्विच से. विच मस्ट अपियर एट द एंड ऑफ स्विच. ये डिफॉल्ट हमें एंड में लगाना आवश्यक है. द डिफॉल्ट केस कैन बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क व्हेन नन ऑफ द केसेस इज ट्रू. ये क्लियर है कि जब कोई भी केस ट्रू नहीं होता है. नो ब्रेक इज नीडेड इन द डिफॉल्ट केस. तो जैसा हमारा डिफॉल्ट केस हम अंत में लगा रहे हैं, तो अंत में आप चाहें तो ब्रेक लगाएं और चाहें तो ब्रेक न लगाएं. ये आप देखेंगे तो फ्लो डायग्राम है हमारा. हम स्विच केस में कोई एक्सप्रेशन या वैल्यू को मैच कर रहे हैं. अगर उसकी मैचिंग 1 से हो जाती है तो 1 वाला केस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर 2 से होती है तो 2 वाला, एंड सो ऑन. और इस प्रकार से इन केसेस में जिस जिस में ब्लॉक हमने ब्रेक लगाया है वहां से बाहर आ जाएगा. और आखिरी में डिफॉल्ट है, वो किसी किसी भी केस के मैच ना होने पर यहां पर आपका एग्जीक्यूशन ट्रांसफर हो जाएगा. अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे. एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसमें हमने देखा है कि एक प्रोग्राम बनाया है. सबसे ऊपर हमने अपनी जो फिक्स हेडर फाइल्स हैं, हैश इंक्लूड scd.h, फिर मेन फंक्शन, और यहाँ आके हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन किया ग्रेड नाम का, और इसको फिलहाल b से इनिशलाइज किया है. यहाँ हम सबसे पहले इस वेरिएबल से हम वैल्यूज मैच कराएंगे. तो मैंने लिखा स्विच कीवर्ड और ब्रैकेट पे ग्रेड. अभी ग्रेड में मुझे पता है कि b से इनिशलाइजेशन हुआ है, तो ये सीधा मैच करेगा. ग्रेड में b है तो केस a से, यहाँ इसकी मैचिंग नहीं होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. देन चला जाएगा केस b, यहाँ ये मैचिंग हो जाएगी. इस मैचिंग की होती है बी ब्लॉक के अंदर, चूंकि कोई स्टेटमेंट नहीं है और ब्रेक भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये सीधा चलाएगा ब्लॉक सी के अंदर. ब्लॉक सी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट एफ वेल डन, तो ये प्रिंट होगा वेल डन और ब्रेक. यहाँ ब्रेक मिल गया, तो ब्रेक मिलते ही स्विच केस से बाहर आ जाएगा सीधा, और इस ब्रैकेट से बाहर आके फिर से छापेगा प्रिंट एफ योर ग्रेड इज पर्सन सी, और यहाँ आगे वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है ग्रेड, तो ग्रेड की जो वैल्यू है बी वो यहाँ पर छप जाएगी. तो अल्टीमेटली आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा वेल डन योर ग्रेड इज बी. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से स्विच केस हमारा काम करता है. हम चलते हैं. थैंक यू सो मच, धन्यवाद. आपका दिन मंगलमय हो, और कुछ अलग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा. भरत गोकलानी, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर.